हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है, क्वेश्चन 2012 का है और क्वेश्चन समझते हैं। फिर क्वेश्चन कहते हैं कि द इम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग इट कैन बी शिफ्टेड बाय। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टीचिंग टू लर्निंग कैसे शिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो, मतलब टीचिंग टू लर्निंग या टीचर टू लर्नर, ये कैसे होगा। ठीक, देखो, फोकस ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट। हम जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस, आंसर्स, रिजल्ट, ये सब चीजों पे फोकस करें। ठीक, अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ठीक है, एनकरेजिंग रोट लर्निंग, रट्टे वगैरह मारना, इनको एनकरेज करो। अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग, यस, फ्रंटल टीचिंग। फ्रंटल टीचिंग मीन्स जैसे फ्रंट में टीचर, मतलब टीचर सेंटर्ड अप्रोच कह लो। ठीक है, तो ये शिफ्ट, देखो शिफ्ट क्या हुआ है। अब ये शिफ्ट ही तो हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड्स न्यू मेथड्स में शिफ्ट हुए हैं। ठीक, हमारे सब्जेक्ट्स पहले कॉमर्स था, धीरे धीरे ये एक शिफ्ट आए हैं। ठीक है, साइंटिफिक, मतलब कह लो ना, साइंटिफिक शिफ्ट हुई है, या जो हमारे कह लो टीचिंग, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो टीचर सेंटर से लर्नर सेंटर हो रही है। ठीक है, तो एक शिफ्ट आ रहा है, पैराडिगम शिफ्ट हो रहा है, एक मतलब शिफ्ट आ रहा है एक प्रॉपर। तो शिफ्ट कैसे आएगा, देखो, अब टीचर ट्रेडिशनल पहले मेथड से कि टीचर सेंटर था, टीचर यहाँ पे लेक्चर देगा, बच्चे वहां पे बैठेंगे, और मतलब कोई इससे ज्यादा कुछ नहीं है। टीचर आया, लेक्चर दिया, चला गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे लेक्चर दूं। ठीक है, अगर मेरे सामने बच्चे हैं, मैं यहाँ लेक्चर दूँ। ठीक है, अपने लेक्चर दे के चलो बाय बाय कर दी। ठीक, ऐसे क्या होगा, ऐसे लर्नर है जो बच्चे बैठे हैं उनमें इंटरेस्ट पैदा होगा, बिल्कुल भी नहीं। जितना इंटरेक्टिव रहेगा, इवन जितना इंटरेक्टिव तो ठीक है, जितना बच्चों पे फोकस किया जाएगा उतना अच्छा है। मैं यहाँ आऊँ, मेरी एक, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया अपना टॉपिक, और वही टॉपिक मैं बच्चों से, उससे फिर पूछूं, अपने अपने व्यू दो मुझे इस सब के बारे में। ठीक है, मैं मतलब क्वेश्चनिंग करूं बच्चों से, इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जाए, बच्चों पे फोकस किया जाए कि बच्चों की नीड्स क्या है। तो लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है ये, शिफ्ट हो रहा है टीचर सेंटर टू चाइल्ड सेंटर्ड, या टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, कैसे हम ये एक शिफ्ट कैसे लगा सकते हैं, ये शिफ्ट आ रहा है, ये अच्छा है। ठीक है, क्योंकि लर्नर पे फोकस किया जा रहा है। हमारा करिकुलम क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, तो अडॉप्ट करना चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, पेडागोजी स्ट्रांग करो, पेडागोजी स्ट्रांग करो, और ऐसे स्ट्रांग करो कि आपका फोकस चाइल्ड पे रहेगा। ठीक, अपने पढ़ाने पे अगर आपने फोकस कर लिया कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे समझा रहा हूँ, वो चीज नहीं, बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, जो मेरे से बच्चे पढ़ते हैं, मुझे मुझसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कैसे समझते हैं, वो एग्जाम्पल से समझते हैं, वो वीडियो से समझते हैं, वो सिंपल लेक्चर से समझते हैं, वो कैसे समझ पा रहे हैं, वो चीज हमने देखनी है कि एक बच्चा कैसे समझ रहा है। तो शिफ्ट जो आएगा, ये अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, इसे हम अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये इन्फ्लुएंस करता है टीचिंग टू लर्निंग, ठीक, लर्नर सेंटर। ठीक है, तो यही मैं बार बार कहती हूँ, जब भी पढ़ाना है किसी को, समझाना है बच्चे को, तो उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि वो बच्चा कैसे समझ पा रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे हैं, सब अपने अपने तरीके से समझते हैं, तो उनकी नीड्स को देख के हमने अपना टॉपिक प्रिपेयर करना है, हमने अपना करिकुलम बनाना है। उसको कहते हैं हम एक चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम या चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ठीक है, टेक्निक्स जो हम चाइल्ड को सेंटर पे रख के कर रहे हैं, टीचर सेंटर नहीं, चाइल्ड को सेंटर पे रख के कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आपकी, देखो, जब आपकी सोच हो जाएगी, आपने एक बच्चे के बारे में सोचना है, आप टीचर हो, आप क्लासरूम में जा रहे हो, एक बच्चे की नीड्स को पूरी कर रहे हो कि वो चीज समझ पा रहा है, कि उसको पता लग रहा है मैं पढ़ा क्या रही हूँ, कि मैं अपना लेक्चर दे रही हूँ, जा रही हूँ, उस बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, वो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब आप इस चीज को समझ गए कि आप एक लर्नर सेंटर्ड या एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो आप इजिली पेडागोजी को समझ जाओगे। ठीक है, बहुत ईजी होगी आपके लिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया है। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।